एसटी न्यूज ताजा खबरों के लिए करें सब्सक्राइब। अब रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। भिवंडी में मेट्रो 5 के रास्ते को लेकर निषेध मोर्चा निकाला गया है। कल्याण रोड पर व्यापारी संघर्ष समिति संगठन की ओर से यह मोर्चा निकाला गया है। कल्याण रोड के रास्ते पर जो मेट्रो जा रही है वहाँ पर काफ़ी लोगों के घर और दुकानें उध्वस्त हो रही हैं, जिसके विरोध में यह मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा भिवंडी मार्ग पर लाया गया और यहाँ पर भिवंडी के महापौर जावेद तलवी को निवेदन भी सौंपा गया। संघर्ष समिति ने यह निवेदन जावेद दलवी को सौंपा और जावेद दलवी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हमने शासन को मेट्रो के विषय में दो रास्ते सूचित किए हैं। दोनों रास्तों में से अगर जो भी रास्ता शासन मंजूर करेगा उसी रास्तों के लिए हम साथ में खड़े रहेंगे। पहला रास्ता तो ऐसा है कि कल्याण रोड से गुजरते हुए यह रास्ता जाएगा और दूसरा रास्ता जो सुझाव दिया है भिवंडी महानगर पालिका ने अपने सभा में, तो वो रास्ता यह है कि कल्याण नाका से होते हुए रास्ता बंजारपट्टी तक जाएगा और वहाँ से गुजरते हुए टेम घर तक आके फिर कल्याण जाएगा। इस रास्ते को वहाँ के लोग भी मंजूरी दे रहे हैं कि यह रास्ता सही है, इसमें किसी की नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर शासन ने कल्याण रोड को ही चुना तो इनका विरोध है। हम लोगों को मेट्रो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेट्रो शहर में पास हुई पूरे कल्याण रोड वासियों ने मेट्रो का स्वागत किया और हम खुश है कि शहर में मेट्रो आ रही है। ये सिर्फ लोगों की दिशा भूल की जा रही है कि हम लोग मेट्रो का विरोध कर रहे हैं। हम लोग मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ विरोध ये है कि कल्याण रोड रहवासियों के साथ पिछले कई सालों से अन्याय हो रहा है। 3 बार कल्याण रोड टूटा लेकिन हम लोगों को कोई हक नहीं मिला और अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दरमियान में फ्लाईओवर का काम चालू है, उसके बावजूद हमारी दुकानें घर मिलाकर हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा और उस रोड के ऊपर कई धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है, लोगों की मंदिर है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, डॉक्टर बाबा साहब का स्मारक है, तो बड़े मसले हैं। टेक्निकल पॉइंट होने की वजह से खुद प्रशासन ने एक दूसरा विकल्प चुना था लेकिन महासभा ने कल्याण रोड की मंजूरी दिया, इसके लिए विरोध में आज हम लोगों ने इस फैसले के विरोध में मोर्चा निकाला था। अभी इसमें दो रास्ते डिक्लेयर हुए थे, एक तो तुम्हारा जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने डिक्लेरेशन दिया था उसमें कापुर बावड़ी से लेके बालकुम, फिर तुम्हारा कशेड़ी, फिर उसके बाद में कालेर, कोपर, पूना, रानाल, अंजूर फाटा, दामन नाका, गोपाल नगर और टेमगढ़ और बाईपास का रांजोली, ये 6 स्टेशन भिवंडी को उन्होंने दिए थे। और उसके बाद में कुछ MMRDA में मीटिंग हुई, उसमें कुछ करेक्शन इन्होंने किए, वो महासभा लेवल पे नहीं किए, वो उनके लेवल पे जो बैठे थे मीटिंग में उन्होंने अपने लेवल पे किए। उसको अंजूर फाटा से ओसवालवाड़ी से राइट मार के कामतगढ़ से गणेश नगर से टेमगढ़, इस तरीके से बाहर के बाहर भिवंडी के मेट्रो को लेके जाना भिवंडी शहर वालों के साथ ये बहुत बड़ा भिवंडी का नुकसान करने के बराबर है। जो भिवंडी शहर के नाम पे भिवंडी के लोगों को सुविधा देने के नाम पर मेट्रो भिवंडी के नाम पे आ रही है तो भिवंडी के लोगों को इसका पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। तो अभी जो ठहराव पास किया गया है 7 तारीख को, उसमें क्या किया गया? वो ठहराव में हमने पहले पर्याय हमने यही रखे थे कि अगर पूरे भिवंडी का इसका लाभ मिलना है तो हमको अंजूर फाटा, दामन नाका, राजीव गांधी चौक, बंजारपट्टी नाका और तुम्हारा चामिंद्रा बोगा और वहाँ से टेमगढ़ के रास्ते इसके अपना पाइपलाइन के ऊपर से टेमगढ़ जाना।